ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं अपने बाबा के चरणों में बैठकर और सच्चे दिल से अपने बाबा को निहारते हुए, अपने बाबा को देखते हुए, अपने बाबा के चरणों में ध्यान लगाते हुए उसे पुकारना है कि हे देवाधिदेव साईनाथ, आइए बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ अच्छा करें, ताकि हम अपने साथ साथ सभी के लिए अच्छा सोच पाएँ और अच्छा कर पाएँ। तो हम सब ने मिलकर जो भी नाम आज की प्रार्थना में आए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करनी है, उन सब के लिए प्रेयर करनी है। देखिए प्रेयर करने का ना एक अपना ही सुकून अलग है, क्योंकि आपने फील किया होगा कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो देखना कितना ऐसा फील होता है कि पता नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया, पता नहीं आपने क्या कर दिया आज कि आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अपने आप ही मन खुश हो जाता है कि अरे मैंने किया क्या है, है ना। तो वैसे तो हम करने वाले कोई नहीं होते, ये मालिक हमसे करवा रहा है, जिसने यहाँ भेजा है उसकी बदौलत ही हम किसी की हेल्प कर पाते हैं। तो उसमें सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ दीजिए। अगर आपके द्वारा किसी की हेल्प हुई है, किसी का घर में एक दीपक जला है, किसी के घर में रोशनी हुई है, तो ये सोचिए कि वो बाबा की वजह से हुई है या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी वजह से हुई है। क्योंकि हम तो अपना ही खर्च नहीं चला सकते, हम दूसरों का क्या चलाएँगे। हम तो अपने इस शरीर के मालिक नहीं हैं तो दूसरों के क्या बन सकते हैं। तो बस मालिक वो है, कर्ता धर्ता वो है, वही हमें चला रहा है, वही दुनिया को चला रहा है। तो वो जब हमें भेजता है, उसका हुक्म होता है, तो हम घर से निकलते हैं और किसी की मदद करते हैं। तो सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वही सबका पेट भरने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला एक वो मालिक है। हम तो उसका एक छोटा सा जरिया है जो कि उसके इशारों पर नाचते हैं। तो चलिए आइए अपने साईं के चरणों में बैठकर फरियाद करते हैं, अरदास करते हैं, अर्जी लगाते हैं। तो आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम आए हैं, आप सभी भी प्रार्थना करना कि बाबा उनकी जो भी परेशानी है, उनकी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, उसे जल्दी से जल्दी साईनाथ हल करें। और जैसे बाबा ने अपने बहुत सारे भक्तों की ज़िंदगी में उजाला किया है, वैसे इनकी ज़िंदगी में भी उजाला हो, ये भी हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो आइए प्रार्थना शुरू करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हैं। कर भला हो भला। तो इस वक्त हमें सिर्फ लोगों के बारे में सोचना है जिनके नाम हैं और जो हमारे परिवार के मेंबर्स बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं, उनकी लाइफ में खुशियां हो, हमारी यही एक मन्नत है, मनोकामना है। तो आइए आज की प्रार्थना के नाम लेती हूँ बाबा के चरणों में रख कर। हे साईनाथ लाज रखिएगा बाबा। तो आज की प्रार्थना के नाम है मीना जी, प्रिशा मुदुन जी, बीनू राघवन जी, नीलम आंटी जी, सुसंता सतापथी जी, सुनील कुमार जी, बच्ची मिष्टी, प्रज्ञा जी, शीला दास जी, मिनाली जी, लता शाह जी एंड ऑल फैमिलीज। हे मेरे बाबा, सभी पर रहम करना, सबकी झोली खुशियों से भर देना बाबा, सब खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सबके घर में सुख समृद्धि बरकत हो और सुमति हो बाबा हर घर में। क्योंकि कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए आपको अपने फैमिली में सुमति रखनी है, समझ रहे हैं ना, मतलब प्यार रखना है, झगड़े कम करने हैं और इज्जत देनी भी है। क्योंकि जो दोगे वो वापस आता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर ही हमें अच्छे से बात करनी है, पहले स्टार्टिंग शुरुआत अपने घर से करनी है तो बाहर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे प्यार करना है, सबके साथ अच्छे से बात करनी है, सबके साथ घुल मिल कर रहना है, क्योंकि हमें बदलना है खुद को और जिसे बदल पाएँ वो तो बाबा जाने। ठीक है, तो चलिए। और आज हमें विश करना है, आज हमें हमारी फैमिली में जो बर्थडे है वो परीक्षित शनियाल जी का है। परीक्षित जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन बना रहे, यही हमारी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। और
यंश जी का जन्मदिन है। यंश जी आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं चरणों में आप की भक्ति रहे, आप रहें और आपका पूरा जीवन बाबा के साथ रहे। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप हमेशा लाइफ में बहुत तरक्की करें, आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। और देवा, आज हमारी फैमिली में सुषमा आंटी जी का जन्मदिन है, तो सुषमा आंटी जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आंटी जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सरल सा स्वभाव है और बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके, तो मालिक इनकी लाइफ में बहुत खुशियां देना। आंटी जी की उम्र बहुत बढ़े और जितनी उम्र हो उतनी ही ज़्यादा खुशियां देना उनकी लाइफ में। उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, उनके परिवार में खुशियां हों और उनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन बना रहे। बाबा सदैव खुश रहें और ऐसे ही अपने बच्चों को आशीर्वाद देती रहें, यही हमारी प्रार्थना है श्री साईं चरणों में। तो आंटी जी आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आइए अब हम 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं, आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। तो मेरे साथ साथ पढ़िए बाबा के 11 वचन उदी के साथ, ठीक है। चलिए आइए, उदी ले लीजिए हाथ में और साईं हमारे साथ में, ठीक है। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। उदी होगी हाथ में तो साईं हमारे साथ में, ठीक है। उदी के बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरे देवा का। चलिए फिर लीजिए उदी और आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा पर विश्वास बना के रखिए, साईं संभाल लेंगे। जय साई राम।